Hello students, let us start next part of the chapter, The Fish Tale. Part 2, page number 11 and 12. So, before we start page number 11, we will discuss about the unitary method of solving word problem. Students, unitary method means the method in which we find the value of units. Unitary method is also about finding the per unit value. Per unit, per means one unit ki value jab hame nikalni hoti hai, then we use the unitary method. There are two parts in unitary method. First one is the unitary method is used for solving a problem by first finding the value of a single unit and then finding the required value by multiplying the single unit value. So friends, जब हमें बहुत सारी units, बहुत सारी चीजों की value दी होती है और हमें एक की निकालनी होती है या फिर बहुत सारी चीजों की value दी हुई है और उससे कम या उससे ज़्यादा का निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है और फिर सिंगल की निकलने के बाद हम दोबारा से मल्टीपल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो जैसे हमें ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है तो एक की निकालनी है पहले, और एक के लिए आप याद रखिए हमेशा लाइफ लॉन्ग, एक के लिए डिवाइड. जब एक की वैल्यू होगी तो हमें डिवाइड करना है. जब भी हमें ज़्यादा से एक की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिवाइड करना है, और उसके बाद जब एक की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमें और ज़्यादा की निकालनी है या एक से ज़्यादा की निकालनी है तो हम उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. जितने की वैल्यू रिक्वायर्ड निकालनी है उससे हम एक की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए, इसको हम इस अगले क्वेश्चन से समझेंगे, एग्जाम्पल से. कॉस्ट ऑफ, अब अगर एक क्वेश्चन है कि 5 एप्पल्स की कॉस्ट रुपीज़ 30 है और आपको 7 एप्पल्स की बतानी है, तो 5 एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स इज 30. सो 7 की निकालने से पहले हमें 1 की पता होनी चाहिए. रेट हमेशा 1 में पर यूनिट पूछा जाता है. कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज, तो अभी मैंने बताया था 1 के लिए डिवाइड, तो 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 रुपीज. इसका मतलब एक एप्पल 6 रुपीज की आती है. इसके बाद हमें 7 एप्पल्स का निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू हमें पता है और ज्यादा की निकालनी है, तो 7 इंटू 6 दैट इज 42. सो नेक्स्ट, हरी अर्न रुपीज 4000 फॉर 8 डेज ऑफ वर्क. He was paid an equal amount each day. How much did he earn per day? अब हरी को 8 दिन के काम के कितने मिले, 4000 रुपीज, और उसको रोज इक्वल रुपीज मिलते हैं, तो बताइए उसको हर दिन के कितने मिले. हर दिन मतलब एक दिन के, ठीक है, एक एक दिन के. अगर डेली उसको दिए जाए तो कितने मिलेंगे. अब देखिए, हरी को 8 दिन के मिले, हरी अर्न फॉर 8 डेज ऑफ वर्क 4000 रुपीज. हरी अर्न फॉर 1 डे वर्क इक्वल टू, तो क्या करेंगे, 1 के लिए डिवाइड, 4000 डिवाइड बाय 8 दैट इज रुपीज 500. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिटरी मेथड. If the value of one unit is given and you have to find the value of many units. पहले वाले पार्ट में हमने सीखा कि ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है, एक की निकालनी है, या फिर ज़्यादा की वैल्यू से ज़्यादा या कम की निकालनी है. अब हमें तरीका ये पता होना चाहिए, अगर एक यूनिट की वैल्यू हमें दी है और मैनी यूनिट्स की निकालनी है तो हम क्या करेंगे. Then the value of one unit will be multiplied with the required number of units. तो एक यूनिट की जो वैल्यू है उसे हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू, यूनिट से डिवाइड कर देंगे. जितने नंबर, जितनी यूनिट्स की हमें वैल्यू चाहिए उससे हम डिवाइड कर देंगे.
If the cost of example is, if the cost of 1 kg mangoes is rupees 90, then find out the cost of 5 kg mangoes. Cost of 1 kilogram mangoes is equal to 90. And we have to find out the cost of 5 kilogram mangoes. So, 1 ki value di hai aur hame jyada ki nikalni hai to multiply. Ulta ho jayega. 1 ke liye divide to jyada ke liye multiply. So, 90 students. Now, let us come to page number 11 in our book. There is a story of the fish market from which we will solve our word problems. So, first of all, we will read the story. The fish market. Have you been to a fish market? Yes or not? If you have been, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. This fish market is very busy today. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their price to the buyers. तो fish market बहुत ही busy है क्योंकि बहुत सारी boats आई हैं, उनमें बहुत सारी fishes आई हैं और fisherwomen जो हैं वो चिल्ला चिल्ला के buyers को price बता रही हैं. Minnie, come here, take sardines at rupees 4 kg. Gracie, never so cheap. Get swordfish for rupees 60 a kg. अब मिनी कह रही है, आओ आओ, सार्डिन्स 40 रुपए किलो. और ग्रेसी ने बताया, इतनी सस्ती तो कभी भी नहीं हुई. सार्डिन्स फिश कितने की है? 1 kg 60 रुपीज की. फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर रुपीज 150 अ केजी. फ्लोरमा इज ऑल्सो अ फिशर वुमेन एंड शी इज सेलिंग प्रॉन्स. फ्लोरमा प्रॉन्स बेच रही है और कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्रॉन्स इज रुपीज 150. करुथमा सेल्स स्क्विड्स फॉर रुपीज 50 पर केजी. लुक, फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. शी सेज द फिश वेज 8 केजी. आई विल सेल द होल फॉर रुपीज 1200. अब फाजिला को इतनी बड़ी किंग फिश मिली है कि वो उठा भी नहीं पा रही उसे. और वो फाजिला ने बताया कि वो 8 किलोग्राम्स की है और वो इसे 1200 रुपीज में बेच देगी. एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाजिला उस किंग फिश को किस प्राइस पर बेचेगी. प्राइस इज ऑलवेज पर केजी. 1 केजी का प्राइस क्या है. वेट ऑफ द फिश इज 8 किलोग्राम्स. सो कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम फिश इज रुपीज 1200 एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम फिश विल बी, व्हाट विल वी डू फॉर 1? फॉर 1 ऑलवेज डिवाइड. सो 1200 डिवाइडेड बाय 8. स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिवीजन एंड राइट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरमा हैड सोल्ड 10 किलोग्राम्स प्रॉन्स टुडे. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट. अब फ्लोरमा ने आज 10 किलो प्रॉन्स बेचे तो उसको कितने रुपए मिले. पहले तो हमें 1 किलोग्राम प्रॉन की कॉस्ट पता होनी चाहिए. और देखिए, स्टोरी में हमने पढ़ा था कि फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर रुपीज 150 अ केजी. सो कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्रॉन इज रुपीज 150. कॉस्ट ऑफ 10 केजी प्रॉन विल बी, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मैनी, देन मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई 150 इंटू 10, इट विल बी 1500 रुपीज. नेक्स्ट, देर आर अदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम स्टोरी स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन, ग्रेसी सोल्ड 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश. मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी. हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल.
अब ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश बेची। मिनी को मिनी ने आज उतने ही रुपए कमाए जितने ग्रेसी ने कमाए। मिनी ने कितने कमाए ये नहीं बताया है। अब हमें बताना है कि मिनी ने कितनी सार्डिन्स बेची। तो मिनी ने कितनी सार्डिन्स बेची ये कैसे पता चलेगा कि उसको कितने रुपए मिले, उससे हम पता लगा सकते हैं। और मिनी को कितने रुपए मिले ये कहाँ से पता चलेगा कि भाई ग्रेसी को कितने मिले, क्योंकि मिनी ने उतने ही पैसे अर्न किए जितने ग्रेसी ने किए। अब ग्रेसी को कितने मिले वो पता लगाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्वॉर्ड फिश का 1 kg का कॉस्ट क्या है। तो हमारी स्टोरी में था, नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर रुपीज 60 kg पर 60 rupees अ केजी। सो द कॉस्ट ऑफ ग्रेसी अर्न फॉर 1 kg स्वॉर्ड इज रुपीज 60 एंड ग्रेसी अर्न फॉर 6 kg स्वॉर्ड व्हाट विल बी द कॉस्ट, 60 × 6 दैट विल बी 360। नाउ मिनी हाउ मच मनी मिनी अर्न, ग्रेसी अर्न रुपीज 360 देन मिनी ऑल्सो अर्न रुपीज 360। कॉस्ट ऑफ 1 kg सार्डिन इज 40। शी सोल्ड सार्डिन्स, तो अब 1 kg सार्डिन 40 rupees की वो बेचती है और उसको 360 rupees मिले, तो कितने केजी बेची होंगी। तो टोटल अमाउंट को हम 1 kg के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ किलोग्राम्स आ जाएगा। 360 / 40 इट विल बी 9 kg ऑफ सार्डिन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम स्टोरी। ओके, ये भी उसी स्टोरी से है। बशीर हैज रुपीज 100, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड्स एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। अब बशीर के पास 100 rupees थे, उसने उसका 1/4 जो था स्क्विड्स पर खर्च किया और जो बचा हुआ 3/4 था वो प्रॉन्स पर खर्च किया। अब 1/4 कितना होता है 100 का, 1/4 मीन्स 100 के 4 parts करेंगे तो उसका 1 part। तो 100 के 4 parts करिए, 100 के 4 parts क्या होते हैं, 25 + 25 + 25 + 25। So 1/4 means 1 part of the 4, that is rupees 25. Cost of 1 kg squid is 50. So he will buy in rupees 25 rupees में उसको कितना मिलेगा, 50 रुपीज में 1 केजी है तो 25 में हाफ केजी, बिकॉज 25 इज हाफ ऑफ 50। अब उसके पास पैसे कितने बचे, 100 में से 25 की तो उसने स्क्विड्स ले ली हाफ केजी, तो अब उसके पास पैसे बचे 100 - 25 दैट विल बी 75। तो 75 rupees की वो प्रॉन्स खरीदेगा, कितने प्रॉन्स आएंगे उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रॉन्स की कॉस्ट क्या है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन इज 150। तो 75 में कितना आएगा, 150 में 1 kg तो 75 में कितना आएगा, 75 इज हाफ ऑफ 150, देन ही विल गेट हाफ kg प्रॉन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टोरी, विमेन्स मीन कार बैंक। द मीटिंग ऑफ मीन कार, मीन कार मीन्स जो ये फिशर वुमेन है ये, इनको मीन कार बोलते हैं। तो इनका एक बैंक है, इन्होंने एक बैंक स्टार्ट किया, मीन कार बैंक है जस्ट बिगिन। फाजिला इज द प्रेजिडेंट। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स रुपीज 25 एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक। अब फाजिला उसकी प्रेजिडेंट है, 20 फिशर वुमेन इसकी इस बैंक में है जिन्होंने ये बैंक स्टार्ट किया है। वो क्या करती हैं, 25 rupees हर महीने बचाती हैं अपने जो अर्निंग है उसमें से और उसको उस बैंक में रख देती हैं। हाउ मच मनी डिड द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, तो आप बताइए हर महीने ये बैंक जो है कितने रुपए कलेक्ट करेगा। ईच वुमेन सेव्स इन 1 month 25। अब एक वुमेन 25 सेव करती है और टोटल वुमेन कितनी है 20, तो 20 वुमेन कितना सेव करेंगी, 1 की 1
कि हमें पता है सेविंग और ज्यादा की निकालनी है, मैनी की निकालनी है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 25 इंटू 20 500. सो 20 वुमेन्स विल सेव 500 रुपीज इन वन मंथ. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स. सो दे विल कलेक्ट, टू फाइंड आउट द मनी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स वी हैव टू फाइंड आउट द मनी कलेक्टेड इन 1 ईयर. सो द मनी कलेक्टेड इन 1 ईयर, देर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर. वी नो दैट इन 1 मंथ दे सेव 500 रुपीज. सो दे विल सेव, हाउ मच दे विल सेव इन 12 मंथ्स, 500 इंटू 12 दैट विल बी 6000. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट how much money will be collected in 10 years. How will you find out? Now we get that they collect 6000 rupees in 1 month, then in 10 years 6000 into 10 that will be 60000. You have to do it yourself. Okay, next is, now this, now students, the today's work is complete. So now you have to do this activity, practice time, page number 12, as homework. This is also based on the same unitary method. So you will try it and do it. If you find any problem, you can contact me and ask your queries. Okay, this is also about unitary solving the problem with unitary method. So students try it. Okay, I hope you understood all the word problems discussed today, and do your homework properly in time and send it to me. Okay, thank you.